हेलो कुछ cool तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्रीवियस कुछ वीडियो में देखा कि भाई सर टीम्स बर्नली की वेबसाइट में हमने देखा कि एक ब्लू कलर का टेक्स देगा तो उसे आप क्या बोलते हैं कि वो हाइपर टेक्स है राइट और फिर हमने देखा कि वो हाइपर टेक्सट कैसे हम एच में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं राइट कि अगर मेरे को हाइपर टेक्स को इम्प्लीमेंट करना है इसमें एच में तो मेरे को एंकर टैग यूज करने पड़ेंगे राइट फिर एंकर टैग में हमने देखा कि क्या क्या हम यूज एंकर टैग के कितने टाइप्स है देर आर टू टाइप्स ऑफ एंकर टैग राइट एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा तो अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले कि इमेज टैग कि अगर मुझे कुछ इमेज मुझे अगर मेरे पेज पे कुछ इमेज दिखानी है ठीक है तो वो इमेज मैं कैसे दिखा सकता हूं कोई भी टाइप की इमेज हो सकती है कि भाई मेरे को, कोई भी इमेज है मेरे को इधर दिखानी है ठीक है पेज पे तो मैं कैसे दिखाऊंगा तो वो आज हम देखेंगे तो उसके लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ेगा एम जी टैग अभी इमेज जैसे हमने देखा कि एंकर टैग है एंकर टैग एंकर टैग के दो टाइप दो टाइप्स होते हैं इंटर एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग राइट वैसे ही इमेज के साथ भी वर्किंग रहता है ठीक है तो अभी हम एक इमेज टैग डालेंगे ठीक है आई एम जी टैग डाला आई एम जी डाला मैंने सॉरी एनजी नहीं एम जी टैप प्रेस करूंगा या तो एंटर दबाऊंगा दोनों से भी आ जाएगा ठीक है तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो एट्रीब्यूट्स है राइट तो अभी यहां पे जो दो एट्रीव्यूट है अभी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप एंकर टैग यूज कर रहे हो और जब आपको कोई पेज पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है राइट तो आप क्या यूज करते थे एचआरएफ वहां पर आप एड्रेस देते थे कि कौन से पेज पे जाना है राइट तो ये हो गया एचआरएफ में बट अभी जब आप इमेज यूज करोगे तब आपको सोर्स देना है कि भाई आपको कौन से जगह से इमेज लेना है ठीक है तो यहाँ पे आपको वो वो देना है कि भाई इमेज कहां पे स्टोर की हुई है वहां का एड्रेस देना है यहाँ पे सोर्स में सो so, हमेशा याद रखना क्योंकि लोग यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई कभी कभी कैसे कर देते कि एंकर टैग में सोर्स लिख दे के सोर्स एट्रीब्यूट टैंक फिर इमेज टैग में एचरएफ लिख देंगे फिर भैया बोलोगे कि भैया आपने तो बताया था ये सब के पर ये काम नहीं कर रहा तो फिर ये ध्यान में रखना कि ऐसा गलती नहीं करना है एंकर टैग है तो यू हैव टू यूज एच एज एन एट्रीब्यूट आप इमेज टैग यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा सोर्स टैग यूज करना है तो हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मेसअप करते हैं हमेशा मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हुए कि भाई एंकर टैग में उन्होंने एस आर सी डाल दिया और इमेज टैग में एचरएफ एट्रीब्यूटर्स कर दिया तो ये हमेशा ध्यान रखना ठीक है।, है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे देखते हैं कि मैं यहाँ चलिए अभी मैं देख आपको दिखाऊंगा कि भाई इंटर एक्सटर्नल सॉरी हाँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटर्नल इमेज ठीक है मैं कमेंट आउट कर दिया इसको अभी मैं यहाँ पे एक्सटर्नल इमेज को ही डालूंगा ठीक है तो मैं ऐसे ही एक टैब में जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा ऐसे ही सिर्फ कुछ इमेजेस लिख देता हूं ठीक है इमेजेस में गया यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी मैं चलिए यहाँ पे यही जो पिक्सा बैसा इमेज है उस पर राइट क्लिक करूंगा राइट क्लिक करके मैं सीधा कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा ठीक है कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने और यहां पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा एड्रेस ठीक है यहां पे सेव कर दूंगा मैंने सेव किया अब हम हमारे पेज पे आते हैं आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई लिंक के बाद मेरा इमेज आ गया अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इमेज सेम लाइन पे आ रहा है राइट एंकर टैग के मतलब ये तो मेरे को चलिए मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे बी आर दे देता हूँ तो आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगी कि बी आर टैक क्या बी आर टैक में और एचआर टैक में क्या डिफेंस है तो अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो ठीक है देखा आपने मैंने इसको नेक्स्ट पे मतलब नेक्स्ट लाइन पे ले, ले लिया था इमेज को अभी ये हो गया एक्सटर्नल इमेज मतलब कि भाई मैंने कोई और वेबसाइट पे या कोई और पेज पे एक्सटर्नल सोर्स पे इमेज थी वहां का मैंने एड्रेस दिया तो वहां से ये फेच कर रहा है वहां से वो इमेज ले रहा है ठीक है पर अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा कि ये तो हो गया सोर्स एट्रीब्यूट का मैंने ये सोर्स एट्रीब्यूट का बता दिया पर यहां पे आप देख रहे होंगे ऑल्ट करके एक एट्रीब्यूट है तो इसका क्या यूज होता है तो इसका यूज ये होता है कि समझ लीजिए कि अगर मैं अभी ये वेबसाइट अभी समझिए कि मैं इमेज लोड नहीं हो रहा अभी फिलर के लिए मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि तो अगर मैं इंटरनेट बंद कर था तो आपको समझ भी नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं इमेज का नाम चेंज करता हूँ समझिए कि आप मेरी वेबसाइट पे अभी समझिए कि आप ये वेबसाइट पे आ रहे हो ठीक है और आपकी ये इमेज लोड होने में टाइम ले रही है ठीक है समझिए कि फाइव सेकेंड ले रही है ये इमेज लोड होने को बाकी सब लोड हो गया तो अगर ये समझिए कि आपकी ये इमेज अगर लोड नहीं होगी तो क्या ऐसा आएगा समझ लीजिए कि अगर आपकी इमेज लोड ही नहीं हो रही ठीक है हम कहते ये देखते भी क्यों नहीं हो रहा ओके गॉट इट कि यहाँ पे इशू क्या आ रहा है आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे बी आर टैक बी आर बरबर से क्लोज नहीं किया हुआ है राइट बी आर को मैंने क्लोज कर दिया अब यहां से मैं कुछ भी ऐसे ये निकाल दूंगा करूंगा। नहीं हो रहा हो जा चलिए अभी अभी यहां पे हो नहीं रहा है तो नो वाइन इट्स नॉट है चलिए आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं कि क्या होएगा नॉट लोडिंग करके ऐसे देता हूँ हाँ तो आप ये जो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे ये कि जब इमेज अगर कोई लोड नहीं होती तो कैसे सिंबल आता है तो ये सिंबल तो आप देखोगे तो ये कैसा है कि यूजर का एक्सपीरियंस बिगाड़ देगा राइट कि जब आप कोई इमेज लोड कर रहे हो अगर आपकी इमेज अगर लोड नहीं हो रही ठीक है आपने एड्रेस दिया और आपकी ये इमेज लोड नहीं हुई तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे क्या है ये इमेज किस टाइप की इमेज है राइट तो आप तब आपको ऑल्ट अटैग यूज करना है ठीक है तभी ऑल्ट टैग यूज करने से क्या होगा कि अगर इमेज आपकी लोड नहीं हो रही तो क्या लिख के आ जाएगा कि भाई इमेज मैं अभी यहां से प्रोवाइड कर दे रहा हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं सनसेट इमेज विथ ट्री एट द सी शो ठीक है ऐसा करके मैंने लिख दिया तो हाँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये देख रहे ब्रोकर इमेज की भाई ये इमेज लोड नहीं हुई तो अभी ये इमेज अगर लोड नहीं होती अगर मैं ऑल्ट टैग अगर नहीं डालता यहाँ पे अगर चलिए कि मैं अगर यहाँ से ऑल्ट टैग निकाल देता हूँ तो क्या होगा कि ये देख रहे है? आप सिर्फ ये इमेज जो दिखाएगा नाम नहीं दिखाएगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा एज एन यूजर की भाई ये इमेज क्या का है राइट तो अगर मुझे ये इमेज देख रहे हैं कि भाई ये क्या का इमेज है तो फिर मैं क्या करूंगा कि ऑल्ट टैग डालूंगा यहाँ पे तो मेरे को बता देगा कि भाई ये इमेज किस चीज की है राइट समझ गया तो एक ये हो गया हो गया किस चीज का इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग राइट एक्सटर्नल इमेज तो ऐसे ही सेम होता है इंटरनल इमेज का तो अभी इंटरनल इमेज का क्या होगा कि समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो इमेज समझ लीजिए कोई भी इमेज कर देता हूँ चलिए ये इमेज है मैं इसको सेव इमेजेस कर देता हूँ डाउनलोड में सेव कर दूंगा और मैं शो इन फोल्डर करूंगा यहां से इसको कट करूंगा सॉरी कट नहीं पे ऐसे डाल दूंगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा कि कि भाई आपको बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई इमेज एसेट्स रहे हैं इमेजेस के एसेट्स तो एक यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे लिखना चाहिए इमेजेस करके एक फोल्डर क्रिएट करना है और वहां पे फिर आपको इमेजेस अपनी स्टोर करनी है ताकि आपको हमेशा चीजें सेग्रीकेटेड होनी चाहिए ताकि आपको कभी भी कुछ आप अगर डेवलप करके छोड़ चले गए और कोई आपके अगर आपका प्रोजेक्ट देख रहे हो तो उसे सब समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो यूज करनी चाहिए वाइल्ड डेवलपिंग ठीक है तो अभी मैंने इमेज को मैंने डाल दिया एक फोल्डर में इमेज करके फोल्डर में अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे चलिए मैं लिख देता हूं इंटरनल इमेज करके लिखा ठीक है यहां पे मैं इमेज टैग डालूंगा इमेज टेक्टा जैसे आपने देखा सोर्स एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट है तो सोर्स एट्रीब्यूट में मैं क्या लिखूंगा इमेजेस करके राइट इमेजेस फोल्डर है अब इमेजेस इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरी क्या इमेज है डाउनलोड डॉट जेपीजे इमेज है राइट तो इसको मैंने सिलेक्ट किया सेव करूंगा तो देखिए इमेज लोड हो गई राइट ये इमेज लोड हो गई अगर समझिए कि मुझे ये इमेज लोड हो रही है मैं भी अगर समझ नहीं होगी तो मेरे को सिर्फ बताना है कि उंटेन माउंटेन रेंजेस करके लिख देता हूं ठीक है माउंटेन रेंजेस करके लिख दिया और समझिए कि मैंने ये प्रॉपरली नहीं दिया है सेव करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ जा रहा है माउंटेन रेंजेस और इमेज भी लोड हो रही है तो मैंने इंटरनल से भी करके दिखाया आपको एक्सटर्नल से भी करके दिखाया राइट तो ये दो तरीके इमेज डालने की आपकी वेबसाइट में तो आपको कैसा लग रहा है कि ट्यूटोरियल्स से कुछ ज्यादा लेंदी हो जा रहे तो बता देना अगर शॉर्ट है तो भी बता देना और मेरे को फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे लग रहे ट्यूटोरियल अगर कुछ मुझे इंप्रूव करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के भेजिए और अंटिल देन सी यू टाटा स्टेट ट्यून